यूं तो एंटरटेनमेंट जगत में कई चैनल्स हैं जिस पर रंग बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, पर कलर्स टीवी का तो कोई जवाब नहीं। जी हाँ, कलर्स चैनल अपने नंबर वन की रेटिंग की वजह से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला चैनल बन गया है। मगर इस चैनल पर काम करने वाली एक्ट्रेस ही कलर्स टीवी की टॉप रेटिंग और सक्सेस का बड़ा कारण है। जी हाँ, कलर्स के सीरियल में काम करने वाली अभिनेत्रियों की वजह से ही इस चैनल को फिलहाल दर्शक सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम ये कहें कि सिर्फ उन्हीं एक्ट्रेस की वजह से कलर्स टीवी चल रहा है, या फिर यूं कहें कि वो अपने दम पर कलर्स चैनल को चला रही हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन 5 अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिनके दम पर कलर्स टीवी चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं उन 5 अदाकाराओं से। नंबर 1, निर्मित कौर अहलूवालिया। वेल, बहुत कम ही ऐसी अभिनेत्रियां होती हैं जो पहले ही सीरियल में काम करके दर्शकों के दिलों में बस जाती हैं। एक्ट्रेस निर्मित कौर अहलूवालिया एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने पहले सीरियल छोटी सरदारनी से स्मॉल स्क्रीन पर धमाका कर दिया, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये सीरियल टीवी जगत का नंबर 1 शो बना हुआ है जिसे दर्शक किसी भी हालत में देखना नहीं भूलते। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्ट्रेस निर्मित कौर अहलूवालिया के बलबूते ही कलर्स चैनल चल रहा है। नंबर 2, रिया शर्मा। भले ही एक्ट्रेस रिया शर्मा ने छोटे पर्दे पर ज्यादा काम ना किया हो, पर कलर्स टीवी के सीरियल पिंजरा खूबसूरती का में इन्होंने अपनी लाजवाब एक्टिंग से लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि इनकी मदमस्त एक्टिंग से हिंदी ऑडियंस इस शो को बहुत पसंद कर रही है। तभी तो रिया के मयूरा वाले किरदार को दर्शक खूब एंजॉय कर रहे हैं, जिसके चलते ये शो कलर्स के टॉप शो की लिस्ट में शुमार है। इसी तरह ये अपनी अदाकारी से दर्शकों को अपने शो की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये कलर्स के दर्शक बढ़ा रही हैं और कलर्स चैनल को अपने दम पर चला रही हैं। नंबर 3, दीपिका कक्कड़। अगर कलर्स टीवी के सबसे फेमस सीरियल ससुराल सिमरका की बात करें, तो एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ एक ऐसी मुख्य कलाकार थी जिसके चलते दर्शकों ने इस शो को करीब 7 साल तक लगातार देखा। हालांकि जब शो खत्म हो गया तो दर्शकों का मनोरंजन भी थोड़ा कम हो गया, मगर अब कलर्स टीवी पर फिर से एक बार दीपिका अपने सिमर वाले अवतार में नजर आ रही हैं सीजन 2 में, जिससे दर्शकों का एक्साइटमेंट डबल से ट्रिपल हो गया है। हालांकि इस शो के प्रोड्यूसर्स के अनुसार दीपिका की वजह से ही इस शो की पॉपुलैरिटी है, जिसके चलते इन्हें फिर से ससुराल सिमरका 2 सीरियल में कास्ट किया गया। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके दम पर ही कलर्स चैनल चलता है। नंबर 4, तान्या शर्मा। तान्या शर्मा एक यंग एक्ट्रेस है जिन्होंने टीवी जगत में काम करके बहुत कम समय में अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली है। तभी तो दर्शक टीवी के सीरियल ससुराल सिमरका 2 में रीमा के किरदार में इन्हें देख रहे हैं। कलर्स टीवी के सीरियल ससुराल सिमरका 2 में ये रीमा नारायण के किरदार के लिए सिलेक्ट हुई हैं, ताकि तान्या के थ्रू कलर्स टीवी के सीरियल को ऑडियंस रिटेंशन मिलता रहे। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि जब से दर्शकों ने तान्या के नए अवतार रीमा को इस सीरियल में देखा, तब से वो और ज्यादा दीवाने हो गए इनकी एक्टिंग और स्टाइल के, इसलिए वो सभी कलर्स के शो देख रहे हैं। इस तरह ये भी अपने दम पर कलर्स चैनल चला रही हैं। नंबर 5, रुबीना दलाइक। अगर हम ये कहें कि एक्ट्रेस रुबीना दलाइक की वजह से एक समय में कलर्स टीवी लोगों के घरों में देखा जाने वाला सबसे प्रसिद्ध चैनल बन गया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब रुबीना कलर्स के मोस्ट पॉपुलर सीरियल शक्ति में सौम्या के किरदार को निभाती नजर आई, तो ये दर्शकों की सबसे फेवरेट अभिनेत्री बन गयी। वहीं जब इन्होंने इस सीरियल को खत्म करके बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, तब भी इस शो की पॉपुलैरिटी आसमान छू गई थी। ऐसे में इन सभी बातों को जानकर यही लगता है कि अभिनेत्री रुबीना दलाइक की वजह से ही कलर्स टीवी का टेलीविजन जगत में नंबर 1 चैनल की जगह बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में इन्हीं अभिनेत्रियों के बलबूते कलर्स चैनल चल रहा है? आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।